Myself is Govind. Today we are going to study about the science and CRT of 10th class. First of all, we will study about the first chapter, chemical reactions and equations. Three topics: introduction, chemical equations, or balance chemical equation. सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए. इंट्रोडक्शन का मतलब यही है कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होती है. केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन चैप्टर के बारे में बताना चाहिए. केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्ट होंगे तो रिएक्शन होगी, और उन्हीं रिएक्शन की फिर हमें इक्वेशन बनानी है, वो बैलेंस करनी है या फिर स्कल्टल इक्वेशन है, वो तो बाद में आएगा. पहले हमें ये बताना चाहिए केमिकल रिएक्शन होती कैसे है. केमिकल रिएक्शन तब होंगी जब कोई भी दो चीजें रिएक्ट करेंगी. जैसे इसके एनसीईआरटी के अंदर चार पॉइंट दिए हुए हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट का मतलब कि किसी भी मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है तो वो केमिकल रिएक्शन होती है. स्टेट कैसे चेंज होगी, जैसे कोई भी सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड मैटर है, उसकी स्टेट अगर चेंज हो जाए, कैसे स्टेट चेंज होगी, अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट डाल दें इसके ऊपर, तो ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. इसका मतलब कि सॉलिड के साथ टेम्परेचर का रिएक्ट हुआ, मतलब हीट रिएक्ट हुई है, तो ये केमिकल रिएक्शन है. दूसरा टाइप है टेम्परेचर का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ नहीं, बस स्टेट स्टेट के अंदर क्या था, टेम्परेचर का इफेक्ट डाला था. अब टेम्परेचर वही है, सेम यही एग्जाम्पल होगा दोनों का, कोई भी सॉलिड है या लिक्विड है. सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर, तब भी टेम्परेचर का इफेक्ट डालते हैं, या फिर लिक्विड को हम गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तब भी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है. ये दो पॉइंट. तीसरा पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना. जैसे कोई भी मैटर या सॉलिड का रख दें हम या लिक्विड का रख दें, सॉलिड का रख दिया, जैसे कोई भी सॉलिड अगर गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, जैसे टेम्परेचर डाल के हम, तो वो सब्लिमेशन की रिएक्शन होती है. सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस, ये होता है सब्लिमेशन. मतलब कोई भी सॉलिड पार्टिकल था, मैटर था, वो गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब गैस इवॉल्व हुई है उसके अंदर से. जैसे कोई एग्जाम्पल हम कोई भी कोयला है, कोल से क्या रिलीज होगा, कार्बन तो जलेगा और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से रिलीज होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रिलीज हुई है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिस भी रिएक्शन से रिलीज होगी, तो ये मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस एनवायरमेंट के अंदर एंटर हो गई है. या फिर कोई एग्जाम्पल वाटर का ले लीजिए, जैसे वाटर के अंदर से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों गैसेज हैं, हाइड्रोजन भी इवॉल्व होगी और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी, इवॉल्व मतलब बाहर रिलीज होगा. तो ये तीन पॉइंट्स थे. फोर्थ पॉइंट है कलर का. तीन पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, स्टेट टेम्परेचर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस. एक फोर्थ पॉइंट बचा हुआ हमारा कलर का. अगर किसी भी मैटर का या किसी भी मेटल का, जैसे आयरन है, आयरन को हम बाहर रख दें एनवायरमेंट में, तो उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, या फिर वाटर वेपर, वाटर वेपर्स की रिएक्शन होगी, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्राउनी कलर का हो जाएगा, Fe2O3, ये मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा कोई भी मेटल है, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा. जैसे ये आयरन ब्लैक इस कलर का था, अब ये ब्राउनी कलर का हो गया, तो ये कलर चेंज होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है. तो ये फोर्थ पॉइंट है इसका कलर. अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम केमिकल रिएक्शन तो पढ़ चुके हैं. केमिकल रिएक्शन मतलब कोई भी दो चीजें रिएक्ट होंगी तो बनेगा, मतलब कुछ भी फॉर्म होगा वो रिएक्शन हुई है. अब वो हुई कैसे है या क्या क्या उसके अंदर ऐड हुआ, वो होती है केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन कैसे पता चलेंगे हमें, केमिकल इक्वेशन जैसे कोई रिएक्ट हुई थी, रिएक्ट के हम अंदर हमने लिखा था एक एरो का साइन, एरो के जो राइट साइड में था, राइट हैंड साइड, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, मतलब कुछ फॉर्म हुआ है, कुछ चीज बनी हुई है. और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं रिएक्टेंट. रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट होंगे, मतलब रिएक्शन करने के लिए जो दो चीजें या तीन चीजें, जो कितनी भी चीजें हो सकती हैं, वो जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो होती है केमिकल इक्वेशन. इसको कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन इज द इक्वेशन इन विच वन एरो साइन, और इन द लेफ्ट साइड ऑफ एरो साइन इज रिएक्टेंट एंड द राइट साइड ऑफ द एरो साइन इज प्रोडक्ट.
इसको लिखने के लिए हम प्लस साइन का यूज कर सकते हैं, जैसे एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो कोई भी, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो प्लस साइन लगा दे। प्रोडक्ट के अंदर भी ऐसा ही है, जैसे मैग्नीशियम या सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, कुछ भी फॉर्म हो सकता है वो प्रोडक्ट के अंदर आएगा, तो उसके अंदर भी हम प्लस का साइन लगाएंगे। जितने कितने भी प्रोडक्ट हो या कितने भी रिएक्टेंट हो, हम प्लस साइन लगाएंगे उनके बीच में। जैसे हमारी बुक एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब दो रिएक्टेंट है इनको ऐड करने के लिए प्लस का साइन यूज करेंगे, और ये है एरो का साइन। इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो होंगे रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में होंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है तो मेटल ऑक्सीडाइज होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको मैग्नीशियम बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन, और ये जो बना है इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमारे पास इक्वेशंस, रिएक्शंस होगी, इक्वेशंस होगी, केमिकल इक्वेशन यही है, केमिकल इक्वेशन ही केमिकल इक्वेशन। इंट्रोडक्शन पूरी होगी, मेरे दो पॉइंट पूरे हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। स्केलेटल मींस मतलब जो कंकाल तंत्र बोलते हैं, जब बॉडी के अंदर होता है वो बैलेंस करने के लिए, मतलब बैलेंस बॉडी बैलेंस होने से पहले जो होता है कंकाल तंत्र, स्केलेटल मतलब हड्डियों की फॉर्मेशन जो है उसको बैलेंस करने के लिए हमें बॉडी के ऑर्गन चाहिए या जो ऊपर से स्किन होती है वो चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए हमें उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जैसे ये रिएक्शन बनी हुई है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मतलब मैटर का अंदर का, मतलब जैसे कोई स्ट्रक्चर होता है अपनी बॉडी का जैसे हड्डियों का, तो ये एक स्ट्रक्चर है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें, जैसे बॉडी को बैलेंस करने के लिए क्या कहते हैं, ये ऑर्गन चाहिए या उसके ऊपर स्किन चाहिए, तो बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस करने के लिए हमें दोनों, जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन के लॉ मतलब मास बराबर होना चाहिए। अब बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, जैसे नाइन्थ क्लास के हमने अंदर हमने पढ़ा था कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब मास बराबर होना चाहिए दोनों साइड में, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, या फिर उनके नंबर्स बराबर होने चाहिए, जैसे मैग्नीशियम एक यहाँ पे भी एक, ऑक्सीजन दो यहाँ पे भी, यहाँ पे एक है, तो ये था हमारा स्केलेटल। इसको बैलेंस करना, बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले पहले एलिमेंट को देखेंगे, जैसे मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम लिख दिया हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले मैग्नीशियम को देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम एक है और राइट हैंड साइड में एक है, तो मतलब ये तो बैलेंस है। आगे देखेंगे ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कितने हैं, दो, राइट हैंड साइड में एक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी हमारी दोनों साइड में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब अब ऑक्सीजन बैलेंस कर चुके हैं हम। अब दोबारा देखेंगे कि क्या क्या बैलेंस है, मैग्नीशियम एक यहाँ पे दो हो गया, अब मैग्नीशियम का सिस्टम बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम मैग्नीशियम के साथ टू से मल्टीप्लाई करेंगे। हर पॉइंट पे मतलब जो भी हम चेंज करते हैं वो नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा कि मार्क से मिलेंगे इसके अंदर। अब देखो मैग्नीशियम टू है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी टू है, बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे टू, यहाँ पे भी टू, तो ये बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल से हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी केमिस्ट्री को पढ़ना चाहता आगे भी, तो इसके बिना कोई भी केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती, जब तक वो बैलेंस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको हम,
सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करना है। एक पहले रिएक्शन हम बैलेंस कर चुके हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सेकंड रिएक्शन होता है जिंक। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कि जिंक कितना है, एक, यहाँ पे कितने हैं, एक, ये दोनों तो बैलेंस है। आगे देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ पर भी दो, ये भी बैलेंस है। आगे हम या तो सल्फेट का आयन देख सकते हैं पूरा, या फिर सल्फर भी देख सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो। सल्फर एक है, यहाँ पे भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे चार, यहाँ पे भी चार, तो दोनों तरफ बैलेंस है। इसको बैलेंस कमेटर, ये स्कल्टर इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बराबर है इसकी, इसके अंदर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बैलेंस ही है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है आयरन। अगर कोई लोहे की चीज है, कोई मटेरियल है, हम उसको बाहर रख देते हैं एनवायरमेंट के अंदर, तो क्या होगा, वाटर रैपर्स उसके साथ ऐड हो जाएंगे, इसको बोलते हैं वाटर, वाटर रैपर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा आयरन ऑक्साइड। मतलब जो मैटर मैटर था आयरन का, वो ऑक्सीडाइज हो चुका, मतलब उसका कलर चेंज हो गया, वो जंग लग गया उसके ऊपर, रस्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब हमें इसको, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को। आयरन देखेंगे पहले, कितने आयरन, एक यहाँ पे है, यहाँ पे तीन है, तो पहले इनको बैलेंस करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे हम आयरन की, थ्री आयरन प्लस वाटर Fe3O4 प्लस H2। जितने भी हम चेंज करेंगे हर स्टेप, एक स्टेप के अंदर लिखेंगे, स्टेप वाइज सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा, कि हम एग्जाम के अंदर मार्क्स अच्छे मिलेंगे इसके। जैसे आयरन, आयरन आप बैलेंस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ पर भी दो, तो ये तो बैलेंस, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब है नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखेंगे हम, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे एक, और राइट हैंड साइड में है फोर, तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर फोर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, थ्री आयरन, ये तो एलईडी से लिखना है, यहाँ पर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर वाटर Fe3O4, ये भी आ जाती है क्योंकि इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, प्लस हाइड्रोजन। अब ये देखना आयरन बैलेंस है, थ्री लेफ्ट भी राइट भी, हाइड्रोजन फोर टू जा एट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एट हो गए हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन टू है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन फोर, यहाँ पे फोर, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात रह गई है, हाइड्रोजन के क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे, जैसे थ्री आयरन, जिसके अंदर चेंज नहीं करना, वो एलिडीज फोर वोटर, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना हमें, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करना है, एट बनाने हमें, तो एट एक साइड में फोर मल्टीप्लाई टू एट, तो यहाँ पर अगर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे फोर, ये फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते, फॉर्मूले के अमाउंट मतलब उसके नंबर हम मोल चेंज कर सकते हैं, कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। एक होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब उसमें दो ऑक्सीजन है, उसको बोलते हैं डाइऑक्साइड, और ये है एक ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो उनको आप पता ही लगता है कार्बन मोनो में एक आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा, तो गलती कर देते हैं सर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं हम तो इसका फॉर्मूला बनता है, वाटर गैस बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हमें ये बैलेंस करनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और इसका बना है मीथेनॉल, इसको बोलते हैं मीथेनॉल, ये फोर्थ चैप्टर के अंदर आएगा और बताएंगे मीथेनॉल। अब हमें ये बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए दोनों साइड में मॉलिक्यूल्स के नंबर बराबर करने हैं, जैसे एक यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक, यहाँ पे कितना, एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर तो सब कुछ बैलेंस है, हमें हाइड्रोजन देखनी है, हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे दो है, और यहाँ पे कितनी है, थ्री और वन, फोर, तो हमें बैलेंस करने के लिए मतलब उस साइड में फोर होता है, इस साइड में फोर बनानी पड़ेगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर करनी पड़ेगी। अगर जिसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना वो तो लिखना कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे पड़ा रहेगा, अगर छोटा लिख देते तो हम कोबाल्ट बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमें फोर बनाने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया फोर CH3OH, ये है मीथेनॉल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और मीथेनॉल। अब देखना कार्बन यहाँ पे एक, एक,
ऑक्सीजन एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कितनी है, टू टू फोर, मतलब चार नंबर है, यहाँ पे थ्री और वन फोर, तो दोनों तरफ बैलेंस होगी, ये होगी, ये स्कल्पर इक्वेशन थी हमारी और ये बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो करते हैं हम, सबसे मुश्किल रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो एनवायरमेंट से प्लांट लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोयल से जो आता है वो होता है वाटर। अब जो सनलाइट लेंगे प्लांट जो भी है सनलाइट, मतलब इसके अंदर एनर्जी ऐड की हमने, सनलाइट अगर ऐड होगी तो ये क्या बनाएगा, अपने फूड बनाएगा, फूड किसकी फॉर्म में होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन एनवायरमेंट के अंदर रिलीज कर देगा। अब हमें ये बैलेंस करनी है, ये तो ग्लूकोज है, मतलब प्लांट ने जब फूड स्टोर किया वो ग्लूकोज की फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये एनवायरमेंट से आई थी, ये सोयल से आया था, और ये सनलाइट सन से जो गेन की है, और ये एनवायरमेंट के अंदर रिलीज कर दी ऑक्सीजन, तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इसके अंदर हमें बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम कार्बन, कितने कार्बन, एक है यहाँ पे, यहाँ पे है छह, तो दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए सिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स सी ओ टू, जितना भी चेंज करेंगे उतने स्टेप लिखेंगे, सनलाइट हर बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना हमें, सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ऑक्सीजन। अब हमें देखेंगे कार्बन कितने हैं, सिक्स, ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन ट्वेल्व और वन थर्टीन, अगर यहाँ पे देखेंगे सिक्स और टू एट, अगर कहीं पे ओड इवन का नंबर आ जाए तो उसको हम पहले छोड़ देते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट को देखेंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं दो और यहाँ पे कितने हैं ट्वेल्व, तो मतलब बैलेंस करने के लिए हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स टू ट्वेल्व, इस साइड में ट्वेल्व, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो इक्वल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, सिक्स सीओ टू प्लस सिक्स वाटर मॉलिक्यूल सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स, ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना, हमें इसके अंदर कोई चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, प्लस ऑक्सीजन। अब देखें कार्बन सिक्स सिक्स बैलेंस, ऑक्सीजन सिक्स टू ट्वेल्व और सिक्स एटीन, ये देख, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन सिक्स टू ट्वेल्व ये ट्वेल्व, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो चुके हैं, अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे ट्वेल्व और सिक्स एटीन, यहाँ पे सिक्स है, अगर हम यहाँ पर ट्वेल्व बना दें तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स वाटर मॉलिक्यूल ये ग्लूकोज, यहाँ पर अगर सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व, ट्वेल्व और सिक्स एटीन, तो दोनों तरफ बैलेंस होगी, ये है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का बैलेंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर कितने भी एग्जांपल हो सभी के अंदर ऐसा ही करना है, पहले एक एलिमेंट को बराबर करेंगे, फिर दूसरे को एलिमेंट को बराबर करेंगे, दोनों तरफ नंबर बराबर होने चाहिए, फिर तीसरे को अगर कुछ बैलेंस हो जाता है, मतलब एक बार बैलेंस करने के बाद हम दोबारा देखेंगे उस रिएक्शन को कितना, मतलब कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पर हो गया कार सिक्स से मल्टीप्लाई की ऑक्सीजन पहले यहाँ पे टू थे, अब यहाँ पे ट्वेल्व हो गए, तो चेंज करने के लिए बाद में देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है, तो चेंज करने के लिए हम फिर बाद में कुछ और एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई।